आज शुभारंभ इरोज गार्डन में शुरू हुआ है और हर वर्ष की बात थी इस वर्ष भी, क्योंकि अब लोगों के लिए धार्मिक कार्यक्रमों को करने की इजाज़त मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, गिरजाघर हो, सबको खोलने की इजाज़त सरकार की तरफ से मिल गई है एक सीमित संख्या में। और कोरोना प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए के सारे आयोजनों को इजाज़त मिली है। इसी निमित्त दुर्गा पूजा जो बहुत बड़ा महोत्सव है, धार्मिक महोत्सव है हिंदुस्तान में, उसको भी बनाने की इजाज़त सरकार ने दी है। लेकिन मेरा सबसे ये कहना है, आप कहेंगे मैंने आपको बात कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में मास्क है, लेकिन फिर भी सबसे आग्रह है कि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए सब कोरोना को मात देने का एकमात्र उपाय है कोरोना प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना और वैक्सीन लगवाना, कोविड का टीका लगवाना। ये दोनों काम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में होना चाहिए। और वैसे भी हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तेज गति के साथ टीकाकरण हुआ है, अभी 100 करोड़ के करीब वो पहुंचने वाला है एक दो दिन में, तो ये दुनिया का एक ऐतिहासिक काम मोदी जी के मार्गदर्शन में हिंदुस्तान में हुआ है। तो मेरा आपके माध्यम से लोगों से इतना निवेदन, धार्मिक आयोजन करें लेकिन मास्क लगा के रखें, कोरोना प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करें, और जिन्होंने कोविड का टीका नहीं लगाया है वो टीका कल जरूर लगवाएं। मंत्री जी, अभी NIT दशहरा मैदान को लेकर, दशहरा रावण जलाने को लेकर बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं हैं और बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है दो पार्टी, इस बार वहाँ दशहरा मनेगा या नहीं? देखिए, दशहरा तो हर साल वहाँ मनता है और इन धार्मिक आयोजनों में हम लोगों का कोई दखल नहीं है, ना हम दखल देते हैं। धार्मिक आयोजन है, धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हर साल इस तरह के आयोजनों को करती हैं, इस साल भी वो संस्थाएं करेंगे। ये वाला कार्यक्रम जो आज इरोज गार्डन में किया गया, ये ह्यूमन शक्ति के द्वारा किया गया, मात्र शक्ति के द्वारा गया, उनको कैसे अप्रिशिएट करें? देखिए, महिला शक्ति हमारे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में उसका बहुत बड़ा महत्व है और मोदी सरकार का महिला सशक्तिकरण पर विशेष रूप से ध्यान भी है, फोकस भी है। और देश की दुनिया की आबादी की आधी महिलाएं हैं और हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को हम भुला नहीं सकते। कोई भी क्षेत्र हो, उन्होंने पुरुषों से कम उसमें योगदान नहीं दिया है, उनके बराबर कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में लें, खेलों के क्षेत्र में लें, व्यवसाय के क्षेत्र में लें, महिलाएं कहीं भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं। इसलिए उन्होंने आज इसका आयोजन किया है, मैं उस महिला शक्ति को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और वो इस तरह के आयोजन हमेशा करती रहे। प्रतीक हैं, उनका जन्मदिन का बहुतों को नहीं पता होगा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम सीता जी की वजह से ही मर्यादा पुरुषोत्तम बने। हमें सीता जी को भी उतना ही महत्व देना चाहिए या उससे भी ज़्यादा महत्व देना चाहिए जितना कि हम लोग श्री राम को देते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने वैदेही फाउंडेशन बनाया था और अनवरत उसके बाद से प्रत्येक वर्ष हम लोग जानकी नवमी भी मनाते हैं और उसके अलावा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को लेकर के, स्त्री सशक्तिकरण के कार्यक्रम को लेकर के हम लोग प्रत्येक वर्ष में कार्यक्रम करते रहते हैं। दो साल बाद आज फिर से जो है इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है, इससे पहले कितनी बार बना रहे हैं, कितने साल से यहाँ पर मना रहे हैं? यहाँ पर जो दुर्गा पूजा, जो यहाँ का इतिहास है सूरज कुंड का, इरोज गार्डन का, यहाँ 27 वर्षों से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से ये बाधित हो गया था क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम लोग इस महामारी जो वैश्विक महामारी हुई उसे हम लोग कितना त्रस्त रहे, सब लोग अपने घरों में बंद रहे, बहुत सारा एक डिप्रेशन का माहौल जो है लोगों के मन में, जो एक मानसिक तनाव और दबाव का जो जीवन लोग जीने लगे। लेकिन क्या था कि इन सब जो पैमाना जो सरकार ने जो बनाया, जो मानक तय किए हैं, उन सबको मानते हुए हम लोगों को त्यौहार भी मनाना था क्योंकि हम लोग उत्सव धर्मी देश में रहते हैं। हम लोगों के यहाँ हरेक एक एक महीने पर, या आप समझिए पूरे देश भर में, मतलब पूरा वर्ष भर में हमारे यहाँ त्यौहार होता रहता है क्योंकि हम लोग उत्सव धर्मी लोग हैं। जब हम लोग घर से निकलते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हम समाज में मिले जुले बिना हम रह नहीं सकते। हम वहीं लड़ना झगड़ना भी हमें है, वहाँ प्यार भी करना है, वहीं हमें खेलना कूदना भी है और हर हाल में हमें सबके बीच में रहना है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इसके लिए हमने ये संदेश दिया ये करके कि आप घर से बाहर निकलिए, माता दुर्गा हम सबको प्रेरणा दें, हम सबको समृद्ध करें और हम सबको इस वैश्विक महामारी से हम सबको निकालें, इसमें से उबारें हमको। आज दुर्गा पूजा का कार्यक्रम है, कितने तारीख से कितने तारीख तक चलेगा, इसकी जानकारी दे दो। ये 4 दिन हमारा कार्यक्रम चलेगा और सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है यहाँ पे,
बहुत टाइम से कोरोना की वजह से सब लोग बहुत मायूस थे, सो दिस इज गोइंग टू ब्रिंग सम पॉजिटिविटी, एक उत्साह का माहौल भी आएगा और सब लोगों में एक चेतना भी आएगी, सो इसीलिए हम सब लोगों ने इस थॉट प्रोसेस के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरा नाम आचार्य शालिनी शर्मा है, ये वुमेन फेस्ट फॉर्म से हम लोग ऑर्गेनाइज किया है, हमने स्टार्ट किया है, ऑर्गेनाइज किया है। एक्चुअली आई एग्री कि कोलकाता में मतलब बंगाल में बहुत अच्छे तरह से इसको मनाया जाता है क्योंकि बेसिकली वहीं का फेस्टिवल है, पर यहाँ पर हमारी तरफ से हम लोग जो अभी ऑर्गेनाइज़ किए हैं इसमें सभी हैं, मतलब इसमें बंगालीज भी हैं, लाइक रितु जी बंगाली हैं और मैं हिंदू हूँ, हिंदू लाइक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, सो हम लोगों ने वुमेन फेस्ट आई मीन के जो उसकी जो डेफिनेशन है ना वो फुलफिल हो रही है, हम लोग मिलजुल के इसको ऑर्गेनाइज़ किए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या नाम है? ऋतुपर्णा बासु है, मैं स्कूल टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। हरियाणा की धरती पर जो है बंगाल का जो है यहाँ पर रूप देखा जा रहा है, बड़ी भव्य मूर्ति भी है, यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, दो साल बाद आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए बंगाल में तो ये बंगाल का फेस्टिवल है, वो चार दिन से क्या सात दिन से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है कि जैसे हम लोग बंगाली हैं दिवाली पे भी मनाते हैं ना, खुश होते हैं दिवाली पे, यहाँ पे भी देख रही हूँ कि नॉन बंगालीज भी हमारे ये दुर्गा पूजा में पूरी तरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरी तरह मतलब सुबह से जब पूजा का काम होता है उसमें भी मदद करते हैं, सब कुछ जो है सब कुछ सीख रहे हैं, नया नया सीखने का भी मन है, सब कुछ है, तो हम सब मिल के ही बंगाली और नॉन बंगाली, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि ये जो बंगाली का फेस्टिवल है, हरियाणा में ये स्पेशल है कि एक दुर्गा पूजा एक फेस्टिवल आ रहा है।